शाजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जहां बस और कार की आमने सामने से भिड़ंत। एक्सीडेंट में कार सवार 3 युवकों की मौके पर हुई मौत। घायल एक अन्य युवक के इलाज के दौरान तोड़ा दम। हादसे में कार के उड़े पर खच्चे, 7 लोग थे सवार। डेरा शाजापुर कृषि उपज मंडी के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं ग्रुप एडिटर दीपक सक्सेना जी के साथ। दीपक जी बताइए, क्या है पूरा मामला? भावना, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि जहां इस हादसे में 3 लोगों के मौके पर मौत होने की खबर मिली थी, वहीं अब जो चौथा गंभीर व्यक्ति है जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। मैं आपको बताऊं, देर रात 11:30 बजे की लगभग की एक घटना है, जब शाजापुर हाईवे पर जो कि एक अब सड़क हादसों की सड़क बन चुकी है, जिस पर रात्रि 11 बजे के लगभग कृषि उपज मंडी के समीप महामाया नाम की एक ट्रेवल्स बस है जो इंदौर से सहारनपुर की ओर जा रही थी। बस जैसे ही शाजापुर से सहारनपुर की ओर निकली, तभी सामने से आ रही एक मारुति कार की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। कार में कुल 7 यात्री बताए जा रहे थे, जिसमें 3 की घटना स्थल पर मौत हो गई थी। वहीं 3 लोगों को गंभीर अवस्था में इंदौर रेफर किया गया था, वहीं एक व्यक्ति को शाजापुर ही प्राथमिक उपचार दिया जा रहा था। आपको बता दें कि घटना स्थल के प्रत्यक्षदर्शी स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का भी काफिला उसी समय वहां से गुजरा। जब इंदर सिंह परमार ने इस पूरे मामले को देखा तो उन्होंने गाड़ी से उतरकर अपने समस्त स्टाफ को इस बचाव कार्य में लगाया। हमारी प्रत्यक्षदर्शी इंदर सिंह परमार के गनमैन से बात हुई है, उनका कहना है कि कार अंदर से पूरी तरीके से लाख हो चुकी थी और कार पूरी तरीके से चकनाचूर भी हो चुकी थी। कार के दरवाजे तोड़कर समस्त घायलों को और मृतकों को बाहर निकाला। हालांकि इस घटना की जानकारी लगते ही चुकी, घटना स्थल पर स्कूल शिक्षा मंत्री मौके पर मौजूद थे, तभी पूरे जिले का प्रशासन वहां पर पहुंचा और घायलों को तुरंत मदद देते हुए 108 की मदद से उपचार हेतु इंदौर रेफर किया है। सबसे बड़ी बात बताऊं मैं भावना इसमें कि जो कार में सवार रहबर दानिश व अरहम की घटना स्थल पर मौत हो गई थी, वहीं चौथे युवक की आज सुबह मौत होना बताया जा रहा है। हालांकि 2 और इसमें जो गंभीर रूप से घायल हैं उनकी भी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। वहीं जो स्थानीय रूप से एक मामूली जिनको चोटें आई थी, अबू बकर, जिनका उपचार शाजापुर में ही जारी है। वास्तव में जिस तरह से स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने हमें मौखिक रूप से बताया कि हादसा इतना भीषण था कि जब कार में मामूली सा धुआं निकल रहा था, तभी उन्होंने कार को इस कंडीशन में देखा और देखा कि घटना गंभीर, काफी विभत्स घटना थी। वास्तव में जिसने भी यह हादसा देखा है, निश्चित उन लोगों के मन में यह बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह की आमने सामने की भिड़ंत में निश्चित एक लापरवाही बस चालक की रही हो, किसकी रही हो, हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से प्रशासन को भी सबक लेना चाहिए। हालांकि जो 2 लोग गंभीर रूप से घायल है, खबर मध्य प्रदेश प्रार्थना करता है कि वो लोग भी जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटे, लेकिन इन हादसों से निश्चित लोगों को भी और प्रशासन को भी सबक लेना चाहिए। भावना जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे शाजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बस और कार के आमने सामने के भिड़ंत में 3 लोगों की मौके पर मौत, तो वहीं एक ने उपचार के दौरान तोड़ा दम।